नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में गुण मिलान के बारे में। उसी श्रृंखला में हमने आपको इसके पहले भक्कुट दोष के बारे में बताया, ग्रहों के मैत्री दोष के बारे में बताया। आज उसी की श्रृंखला में अभी हम योनि दोष के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी जातक और जातिका, देखिए यहाँ पे हमने एक कुंडली मिलान बना के रखा हुआ है और हम बताने का प्रयत्न करेंगे कि जो भी कुंडली मिलान में योनि दोष का क्या महत्व होता है, और ऐसा दोष है तो आपको शादी के लिए विचार करना चाहिए, और अगर उसका परिहार नहीं हो रहा है तो जो हम बता रहे हैं उस तरह के अगर योनि दोष बन रहा है तो आपको शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शादी के बाद बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है और इनमें एक दूसरे की अच्छी शादी नहीं चल सकती है। तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप योनि दोष के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम, कि देखिए यहाँ गुण मिलान में योनि के लिए जो अंक बनते हैं वो 4 अंक बनते हैं, और योनि के 4 अंक बनने के लिए अब इसमें कैसा होता है कि योनि के 4 गुण होते हैं, जिसको इसे हम यहाँ कुंडली मिलान में हम देख रहे हैं। वर और कन्या के जो लिखा हुआ है कि वर है नवधु के लिए देखा है, यहाँ पे किस तरह से उनके अंक बनते हैं वो दिखाया गया है। तो इसमें 27 नक्षत्रों के जो 14 जीव योनियां होती है, इन सभी जीवों का किसी न किसी रूप से मनुष्य के संबंध रखता है। योनि समान होने पे 4 गुण मिलते हैं, और अगर बराबर नहीं होने पे उनको बराबर गुण नहीं मिलते हैं। फिर अति मित्र है, मित्र है, सम है, शत्रु है और अधि शत्रु है, इस तरह से इसको बताया गया है। पर आपको इतने ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम जो आपको बता रहे हैं कि अगर ये वाले योनि हैं और आपका उसका परिहार नहीं हो रहा है तो आपको शादी के बाद प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बन जाती है। तो उसमें आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपकी योनि में घोड़ा और महिष, मर्ग एवं हाथी, बकरा एवं वानर, नकुल एवं सर्प, सिंह एवं कुत्ते, मार्जर एवं मूषक, याद्र एवं गो, इनमें ये बैर रखते हैं आपस में, तो इस जो हमने योनि को बताया वो आप नोट कर लीजिए। और ऐसी योनि वालों को संबंध अगर आपने करा देते हैं तो अगर उसका परिहार नहीं होता है तो आपको शादी के बाद में परेशानी हो सकती है। तो आप भी जब भी कुंडली आपके देखें, कुंडली मिलान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है, यहाँ जैसा बताया जा रहा है, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी आप अपने कुंडली मिलान के जो कंप्यूटर से बनती है उसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे योनि का जो है, यहाँ पे जैसा हमने बताया कि मूषक और माजर यहाँ पे आया है, तो आप भी अपने कुंडली में अगर मूषक और माजर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे 0 अंक हो गया, मतलब ये इसमें योनि दोष बन गया है। क्योंकि हमने बताया कि मूषक और माजर में आपस में अच्छे योग नहीं है बनते हैं, आपस में बैर रखते हैं। मूषक और माजर की जो बात कर रहे हैं हम, वो आपस में बैर रखते हैं, तो इसलिए उसको 0 अंक मिला है। और इस तरह के इनके बैर होने के कारण अगर आप इनकी शादी भी कर देते हैं तो शादी के बाद परेशानियां हो सकती है।
तो फिर से आप नोट कीजिए कि हमने जो आपको बताया कि अगर योनि में घोड़ा एवं महीस, मर्ग एवं हाथी, बकरा एवं वानर, नकुल एवं सर्प, सिंह एवं कुत्ते, माजर एवं मूषक, याद्र एवं गो ये बैर रखते हैं, तो इस तरह का अगर आपके कुंडली में योनि दोष बन रहा है तो आपको अगर इसके परिहार जो अभी हम बताते हैं अगर नहीं है तो आपको शादी नहीं करना चाहिए। वो आपको शादी के बाद में उनके एक दूसरे से पटेगी नहीं और प्रॉब्लम हो सकती है शादी के बाद में संबंध विच्छेद तक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपकी कुंडली में और भी दूसरे दोष हो, मान लो किसी में मंगल दोष हो या सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अच्छी स्थिति में नहीं, कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको और दशाएं जो है आपकी अच्छी ग्रहों की दशाएं नहीं चले और साथ साथ में साढ़े साथ ही चल रही हो, तो इन सब प्रभावों के कारण अगर इस तरह के अगर योनि दोष बनता है तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हम जाने कि इसका परिहार कैसा देते हैं तो ये भी नोट कर सकते हैं। या इसके पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें ग्रह मैत्रियों के बारे में बताया था। अगर आपके यहाँ ग्रह मैत्री बन रही है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ ग्रह मैत्री बनती है, वो वाला हमारा वीडियो देखिए जिसमें ग्रह मैत्री बनती है तो आपको उसमें इसका परिहार हो जाएगा। तो एक तो ये है कि वर वधु की दोनों की जैसे कि दोनों की राशियां एक ही हो, मान लो चंद्रमा आपका सिंह राशि में बैठा है और लड़की कुंडली में भी सिंह राशि में बैठा है या उनकी मित्र राशियों में बैठा है तो आपका उसका परिहार हो जाएगा। ना ग्रह मैत्री बन रही है, अगर ग्रह मैत्री आपकी कुंडली में बन रही है तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे ग्रह मैत्री को देख सकते हैं आप, यहाँ पे सूर्य और बुध की ग्रह मैत्री है तो इसलिए पांच में से चार अंक मिले हैं तो इसको भी मानेंगे। तो अगर ग्रह मैत्री आप भी अपने जो कुंडली आपकी बनी है कुंडली मिलान में वहां पे ग्रह मैत्री आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे योनि दोष बना है इसका परिहार हो गया। इसके बाद में आप देखिए कि अगर आपकी कुंडली में भक्कुट जो है वो भी ठीक है, उसके भी सात अंक प्राप्त हो रहे हैं जैसे यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, तो अगर आपका भक्कुट भी ठीक है तो इसका इसका भी परिहार हो जाता है। तो योनि दोष जैसे यहाँ बना हुआ है परंतु भक्कुट में सात अंक मिल गए हैं तो परिहार हो जाता है। इसी तरह से योनि दोष के परिवार के लिए जो वश्य होता है ये वश्य शुद्धि रहता है, अगर यहाँ पे पूरे दो अंक मिल जाते हैं तो अर्थात वश्य मिलान भी ये दोष को कैंसिल कर देता है। और भी जैसा पहले बताया हमने कि वर और कन्या के नवान स्वामी भी आपस में मित्र हैं तब भी योनि दोष कैंसिल हो जाता है। तो इतने परिहार बताए अगर ये शास्त्रों के अनुसार है, अगर ये आपके कुंडली में बन रहे हैं, जैसे आपको सीधा यहीं पे देखना है कि अगर आपका भक्कुट में सात अंक प्राप्त हो रहा है तो आपका परिहार हो गया। ऐसे ही आप देख लीजिए कि ग्रह मैत्री में भी जैसे पांच अंक है या चार अंक या जो भी मिल रहे हैं, अगर ग्रहों में मैत्री है और आपकी कुंडली में ये मिल रहा है, अगर ये भी मिलता है तो भी इसका परिहार हो जाता है। ऐसे ही वश्य भी अगर आपका ठीक आ रहा है, दो अंक प्राप्त हो रहे हैं तो भी इसका परिहार हो जाता है। कोई भी एक अगर इस तरह का हो सकता है, या तो ग्रह मैत्री हो या भक्कुट मैत्री हो, जैसे उसमें सात अंक हो, ग्रह मैत्री में पांच या चार अंक हो या वश्य में दो अंक हो, कोई भी एक के द्वारा भी परिहार हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि योनि दोष का किस तरह से परिहार हो जाता है। अगर ये परिहार नहीं है और जो दोषों के जो जीव बैर रखते हैं एक दूसरे से और आपको वहाँ पे आपके कुंडली मिलान में वहाँ पे जीरो मिला है चार में से, तो इसका अर्थ है कि वो योनि दोष है और उसका जिस तरह से अगर हमने बताया परिहार नहीं हो रहा है तो आप
एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शादी के बाद परेशानियां हो सकती है। तो इस तरह आपने आज हमने कुंडली में जो हम गुण मिलान के बारे में हमने इसके पहले आपको बकुर दोष के बताया, इसके फिर हमने मैत्री दोष के बारे में बताया, अभी हमने योनि दोष की चर्चा की। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।